दोस्तों यूपीएससी के सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी तैयारी एस्पिरेंट्स को करनी होती है। अब आपने अक्सर यह तो सुना ही होगा कि यूपीएससी में सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब जानेंगे, साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट डायनेमिक है और कौन सा सब्जेक्ट स्टैटिक है। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनमें से कौन सा सब्जेक्ट डायनेमिक और स्टैटिक है। इससे पहले जान लेते हैं कि स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है। स्टैटिक का मतलब होता है ऐसे विषय जो स्थिर होते हैं, यानी जिनमें बदलाव होने के चांस नहीं होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं। इस श्रेणी में शामिल है इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट। ये वे विषय हैं जिनके टॉपिक्स में बदलाव नहीं होते हैं, यानी आपको हर साल सेम सिलेबस को पढ़ना होता है। इसके अलावा डायनेमिक से मतलब है ऐसे विषयों से जो गतिशील होते हैं, अर्थात उनके टॉपिक चेंज होते रहते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स समय समय पर बदलते रहते हैं। अगर 2023 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते वक्त आपने करंट अफेयर्स की तैयारी की थी तो निश्चित तौर पर इस साल आपने बदलते हुए टॉपिक्स को पढ़ा होगा। इसके साथ ही इकोनॉमिक फैक्ट्स, एनवायरमेंटल अपडेट्स और गवर्नमेंट्स भी डायनेमिक के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि प्रीलिम्स परीक्षा में स्टैटिक और डायनेमिक विषयों की तैयारी कैसे करें। दोस्तों जब हम स्टैटिक की बात करते हैं तो इससे हमारा मतलब होता है जीएससी, जिसमें हिस्ट्री जिसका सिलेबस स्थिर ही रहता है, आपको कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरमेंटल आदि विषयों के कॉन्सेप्ट भी स्थिर ही होते हैं। तो ऐसे विषय जिनका सिलेबस हमेशा एक जैसा ही रहता है, साथ ही एग्जाम से भी ज़्यादा प्रश्न इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं, तो इनकी तैयारी में आपको ज़्यादा समय देना चाहिए। आपको अपना 70% समय स्टैटिक सब्जेक्ट की तैयारी में लगाना चाहिए और फिर उसके बाद जो समय बचता है उसे डायनेमिक्स विषयों के लिए तैयारी में लगाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि करंट टॉपिक को इग्नोर कर दिया जाए। करंट इवेंट्स पर ध्यान देना भी इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार स्टैटिक सब्जेक्ट से भी प्रश्न डायनेमिक टॉपिक से जोड़कर दे दिए जाते हैं। मान लीजिए कि बजट में इस साल कुछ चेंज हुए, अब उसमें डायनेमिक सिलेबस से प्रश्न ना पूछकर करंट से उसे रिलेट करके पूछा जाता है।